बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू वट आई हैव बिन डूइंग दीज पास्ट फ्यू मंथ्स। मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था कॉल्ड गेट, जो कि लोग जनरली हायर स्टडीज परस्यू करने के लिए देते हैं, एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे, बट मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। सो या दैट्स दैट। ओके, सो आई एम गोइंग टू आई आई टी बॉम्बे फॉर एन इंटरव्यू एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग थ्रू अ फ्लाइट। आई एम ऑल्सो अ लिटिल स्केयर्ड बिकॉज मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं है इंटरव्यू के लिए। सो आई एम स्केयर्डली एक्साइटेड। इन द इवेंट ऑफ अ डिक्रीज इन कैबिन प्रेशर, ऑक्सीजन मास्क विल फॉल ऑन द ओके। सो आई एम इन आई आई टी बॉम्बे नाउ एंड एक्साइटिंग वाला पार्ट अब खत्म हो गया है। सो एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट स्केयर्ड। एंड वेट अ मिनट, मैं तुम्हें अपना हॉस्टल रूम दिखाना चाहता हूँ। दिस इज माई हॉस्टल रूम एंड आई हैव गॉट अ फ्रेंड विद मी। हाय बडी। आई नो तू क्या सोच रहा है बडी, एसी कहाँ है भोसड़ी के, घोसला किस में बनाऊँ मैं। आई नो बडी, एसी नहीं है बडी, कूलर भी नहीं है एंड पंखा है। आई थिंक ये किसी जज का रूम था एंड वो खुद ही को बाय बोल के गया है। बाय जज, यू आर माई ओनली फ्रेंड बडी, प्लीज स्टे विद मी। ओके नहीं समझी नहीं छे खूब आशोक का। अभी अभी मैं एक रिटन टेस्ट दे के आ रहा हूँ जो कि आई डोंट नो कैसा गया। आई मीन बहुत ज़्यादा बच्चे थे तो मुझे कुछ खास होप्स हैं नहीं। अभी मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ एंड वीडियो लैंडस्केप नहीं कर सकता कॉज इतना गुदा आया नहीं है मुझे मैं अभी पब्लिकली रिकॉर्ड करने का। अराउंड 400-500 लोग आए थे जिसमें से वो बस 10-15 लोगों को लेने वाले हैं। सो माय चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर अराउंड 3% एंड जितना मुझे मेरे लक के बारे में पता है माय चांसेस आर -2%। यू नो मेरा लक कैसा है मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यू नो अगर मैं कोई चीज दिल से चाहूंगा ना मैं उसके एकदम पास पहुंच जाऊंगा, मैं इतना क्लोज पहुंच जाऊंगा उसके कि मैं उसको बस टच ही करने वाला हूंगा कि उसमें से एक आदमी निकल के आएगा और वो कहेगा हाय हाय होय होय हाय हाय। ऐसा है मेरा लक, अब बता दो क्या चांसेस है मेरे। अभी मेरा रिटन टेस्ट हुआ है एंड अगर वो मेरा क्लियर हो गया तो कल मेरा इंटरव्यू होगा, जो कि मुझे लग रहा है कि मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हो ही जाएगा क्योंकि मैंने बताया ना मेरा लक कैसा है, मैं एकदम पास पहुंचूंगा उसके, मैं रिटन क्लियर कर लूंगा, इंटरव्यू तक पहुंच जाऊंगा और फिर मेरा लक आएगा और फिर मेरे मुंह में लंड दे के चला जाएगा। एनीवे लेट्स सी, क्या पता रिटर्न भी क्लियर ना हो। यू नो मेरे बगल में एक बंदा बैठा था तो वो मुझसे थोड़ी बहुत बात कर रहा था तो मैंने भी थोड़ा पूछ लिया कि हाय कैसे हो कहाँ से हो, तो उसने बताया कि वो BDS करके आया है। BDS, तो पहले तो मैंने कहा ओके मतलब हाँ अच्छी बात है, बट मन ही मन मैंने कहा कि भाई तू थोड़ा सा बहन का लौड़ा है क्या यार, जब तुझे यही करना था तो BDS किया क्यों यार, मेरे तो चांसेस खत्म हो गए ना, वो तो ऑब्वियसली उसको प्रेफर करेंगे ना जिसने 5 साल पढ़ रखा है, मुझे क्यों प्रेफर करेंगे, मैंने तो 4 साल ही पढ़ा है वो भी MIT से और वो भी ग्वालियर वाले। तो मुझे ज्यादा होप्स है नहीं एंड बाय, गर्मी लग रही है अब मुझे, पंखा चला रहा मैं। हाय, अभी कुछ 8 बज रहे हैं एंड मैं सो गया था, नींद आ रही थी मुझे। एनीवे मैंने अभी अभी रिजल्ट चेक किया एंड आई क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट। यू नो दिस इज समथिंग आई टोटली एक्सपेक्टेड क्योंकि कल है मेरा ह्यूमिलिएशन डे, कल होगा मेरा ह्यूमिलिएशन इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि मैं हूँ चूतिया, मैं नहीं मेरा लक, सेम थिंग। एनीवे मुझे अभी भी थोड़ी बहुत नींद आ रही है सो चाय पी के आते हैं।
ओके, मैंने अभी एक चीज डिस्कवर की है, मेरा लकी नंबर है 6 और 9। कैसे? वेल, मेरी गेट में रैंक थी 106, मेरा गेट में स्कोर था 669। एंड यू नो, अभी मैंने IIT बॉम्बे में अपना रिटर्न टेस्ट दिया था, एंड व्हाट डू यू थिंक मेरा किस नंबर पे नाम होगा? एग्जैक्टली 69। यू नो, मुझे ऐसे एक दिल से फीलिंग आ रही है कि अगर कोई मेरे साथ एक्चुअल में 69 करेगा ना, तो मेरा फ्यूचर मतलब ऐसे जा सकता है, उसका भी चला जाएगा जो मेरे साथ कर रहा होगा। सो यू नो, ओके, अभी 12 बज रहे हैं एंड कल मेरा इंटरव्यू है, सो थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। यू नो, कल पता है क्या होने वाला है? जो इंटरव्यूअर है ना, उसकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो कहेगा, है मच द इंटरव्यू, मैं नहीं ले रहा आप किसी का इंटरव्यू, और फिर अगला इंटरव्यू होगा मेरा। बट नेवर द लेस थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। जीरो की पावर इन्फिनिटी को जीरो बोलेंगे, नॉन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पे भी आते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, है ना, कितना भी पढ़ा लूं, कितना भी कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूं, कुछ भी मैं करवा दूं, नंबर आपके कितने आने वाले? जीरो। तो ऐसे ही सोच के देख लो, जीरो पावर इन्फिनिटी कितना मिलने वाला है? जीरो ही मिलने वाला है। इससे आसान एग्जांपल क्या बताऊं मैं आपको? समझ गए? आसान उदाहरण तो हो ही नहीं सकता, तो आप खुद के ऊपर अप्लाई करके देख लो, आपको जीरो ही मिलने वाला आंसर। ओके, चलिए। Hi, I am exhausted Tarun. मैं सुबह 9 बजे से वहाँ बैठा हूँ एंड अभी तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है, एंड आई थिंक मेरा इंटरव्यू 3-4 बजे से पहले नहीं होने वाला, सो आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड। ओके, मैं अभी अभी इंटरव्यू देके आया हूँ अपना, एंड यू नो मैं क्या बोलूँ, लाइक इट वॉज, यू नो, मैं अंदर घुसा, आई सेड गुड आफ्टरनून सर, देन दे सेड गुड आफ्टरनून तरुण, एंड देन दे सेड मुंह खोलो, मैंने आ किया, एंड देन दे सेड इंटरव्यू देगा तू, M.Tech करेगा तू, दिस वॉज मेजॉरिटी ऑफ माई इंटरव्यू। यू नो, मैं अंदर घुसा एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी इज व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। मैं कहा ये क्या पूछ रहे हैं, पागल हैं क्या? तो मैंने उनको लाइन टू लाइन डेफिनेशन सुनाई, एंड देन आई सेड एंड इट्स एग्जांपल्स इंक्लूड टी सेल्स एंड बी सेल्स, देन दे सेड टी सेल्स आर अ पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। मैं कहा हाँ सर। कहते आर यू श्योर? मैं कहा हाँ सर। कहते तरुण यू आर सो रॉन्ग, तुम बाहर जाओ और तुम सोचो कि तुमने क्या गलत बोला, मुझे तुमसे बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना। मैं कहा है, यू नो, मैंने अभी चेक किया, उन सर ने PhD कर रखी है, PhD फिजिक्स में, ये पूछ भी क्यों रहे थे मुझसे बायोलॉजी के क्वेश्चन? यू नो, आई थिंक अल्टीमेटली सारी गलती मेरी ही है, मैं ही हूं चूतिया। मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है मेरे साथ, मैं फिर भी पहुंच गया वहां मुंह उठा के, मैं ही हूं गधा, सॉरी। यू नो, आई थिंक उनका मन ही नहीं था इंटरव्यू लेने का। यार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक सर बीच में से उठ के चले गए कहीं। मैं कहा यार चल क्या रहा है ये, मेरे बस पैसे बर्बाद किए इन्होंने, जो कि मैं थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेट करने की कोशिश में लगा पड़ा हूँ। मेरा लेजिट मूड खराब कर दिया इन्होंने, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। दिस इज अ नटशेल ऑफ माई IIT बॉम्बे एक्सपीरियंस। समटाइम्स इट विल बी लाइक स्पेड्स, समटाइम्स हार्ड, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स जस्ट गोना बी लड़ा।